कैसे हो भाई लोग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और होप करता हूँ सब अच्छे होंगे। आ गया सुबह फिर मॉर्निंग वॉक पे और दिखाता हूँ अपने डॉग्स को। ये रही जूली और वो रहा भैरव। आज संडे वॉक है इनका, तो लंबा ही मतलब थोड़ी दूर जाएंगे और फिर भैरव को भी लेते चलते हैं। सोच रहे भाई वहाँ पर डॉग दिखा, भैरव ने खींचा बहुत गंदी तरह, इसीलिए मैं भैरव को मैं नहीं लिखा था। देखो भाई आउट ऑफ कंट्रोल, और यहीं पर कहीं डॉग होगा वो भाई, वो उधर है बहुत दूर। चलो चल चलिए, इसके लिए चौक चेन बताओ ना, बहुत सही लग रहा है मेरे ख्याल से चौक चेन इसके ऊपर। और गैस अब मैं दिन भर इसको ऑफ लीस रखता हूँ घर पे, दिन भर, रात में लीस में बांध देता हूँ। तो गैस अभी आ चुके हैं रोड पे, मैं सोच रहा हूँ जूली को ऑफ लीस कर देते हैं, भैरव तो भाई लीस में ही रहेगा, क्योंकि दूर दूर तक कोई डॉग वगैरह मुझे दिख नहीं रहा, आगे से पीछे तक मतलब कहीं भी कहीं। तो मैं सोच रहा हूँ इसको ऑफ लीस कर ही देते हैं, और सोच रहे बढ़िया कर देना चाहिए काम, क्योंकि इसको सोशलाइज कराना है लोगों से, सबसे घुल मिल के रहा है, मतलब फ्रेंडली हो जाए। नहीं तो कैसे ये सारी भीड़ होते हैं यहाँ, एक्सरसाइज के बिना या फिर सोशलाइज नहीं कराओगे भाई ख़तरनाक हो ही जाती हैं। तो भाई जब मैं प्रॉब्लम बता रहा था वो प्रॉब्लम हो रहा है इस टाइम, इसको देखो भाई चलते चलते इसकी पॉटी टाइप ही निकल रही है, अब जाके पॉटी करेगी। तो अब तो बहुत कम हो गया, पहले से अभी इसको छोड़ देते पॉटी करके आती है, तब तो भैरों के साथ चलते हैं। तो भाई काफ़ी दिन बाद मैंने भैरों को लीस मिली, मतलब लीस में लेता हूँ नॉर्मली रोड पे टहलान लिया। भाई देखो कितना जोर लगा रहा है, और ऊपर से भाई कितना हैवी लग रहा है, कितना बड़ा भाई जूली तो इतनी इसी है इसके आगे। भाई ये क्या, ये भी पॉटी करेगा। तो भाई उसने पॉटी तो कर लिया, लेकिन भाई पॉटी में उसके जरूर कुछ ना कुछ फंसा होगा, मतलब आधी पॉटी ही फंसी होगी, वही प्रॉब्लम है इस टाइम। और ये तो सबसे तेज है भाई, इसने भी कर ली पॉटी। जूली हाँ आओ जल्दी आओ, जूली जूली आ जा पकड़ो, चल 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 चल। देखो गाइस जूली ने देखो फंसा रखा है पीछे, यही चीज़ बता रहा था। अब तो दौड़ वगैरह रही है, ठीक ठाक लग रही है मुझे पहले से तो बहुत। भाई जब मैं ले आ रहा था तो यहाँ से 500 मीटर भी नहीं चलती थी ढंग से, वहीं पे बैठ जाती थी, फिर उठा के ला रहा था बंदा जिसकी थी। मैं पहले पास में चलता हूँ इनके, आ गया पास में, ओए चल। तो अब तो गाइस ये कितनी कितनी दूर मतलब वॉक करती है भाई, लगभग 2-2 किलोमीटर की, और पहले भाई 500 मीटर तक नहीं चलती थी, बैठ जाती थी। भाई देख लो अभी भी इसको मतलब गर्मी लग रही, इतना ठंडा मौसम है। भाई भैरव को भी हल्की फुल्की नहीं, भैरव का मुंह तो भी बंद है इसका, ज़्यादा खुला है। रुक रुक जा जूली रुक। देखो मैंने कहा रुकने के लिए, तो रुक गई, धीरे धीरे ऐसे ही डॉग सोशलाइज हो जाते हैं, और भैरव को सोशलाइज हम कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि भैरव को मौका ही नहीं दिया सोशलाइज करने का भी, भैरव को खोल दें। और जब भैरव भगने पर आएगा ना, तो कितनी डांट लो वो नहीं सुनने वाला, सीधा भग जाने का है, तो इसीलिए भैरव सोशलाइज नहीं हो पाया। और अपनी जूली तो बात सुन रही, तो हो जाएगी सोशलाइज और ऑफिस घूम लेगी, कहाँ जा रही है। तो इसके आगे मैं सोच रहा हूँ ऑफिस कर ऑन लीज कर लूँगा, क्योंकि भाई 2-3 डॉग हैं फालतू हैं, या मतलब वो भी टहला वगैरह हो रहे हैं, वो ऑफ लीज करके और फालतू में भाई जूली सीन करेगी तो सीन ही कर देगी। वैरा तो नॉर्मल एक आध तो बाइट मार देगा, छुड़ा देंगे भाई, ये बाइट नहीं मारती, और मैं पहले फाइट नहीं करती, लेकिन वो एग्रेसिव है तो फाइट कर सकते हैं। ऑनलीस क्योंकि आगे आ रही है गाय, और गाय के पीछे एक डॉग। भाई किस्मत है मैंने कर ली, कर रहा भाई गाय के चक्कर मैंने करी, पीछे एक डॉग भी आ रहा है, तो डॉग के साथ इसका रिएक्शन चेक करते हैं। भाई अभी हो गया होता सीन अगर नहीं पकड़ा होता भाई, भाई मतलब भैरव ने पहले भाई देखा, भैरव ने कैसे घू घू करा, फिर जूली ने करा, पहले भैरव ने अग्रेशन करा फिर जूली ने करा, वरना जूली नहीं करने वाली थी अकेले में, भैरव ने कर दिया अग्रेशन फिर जूली ने कर दिया भाई। तो भाई भैरव मेल डॉग के साथ कभी मतलब ना उस, वो मेल है उसके साथ, उसकी बजी है भैरव के घर बच चुकी है उसके साथ, तो फिर वो मेल है ना, वो अंकल जी का पालतू है, वरना भाई सीन ही कर देते, अंकल जी का पालतू था और वो मेल है तो बच गई थी, अब नहीं बजेगी, मतलब पकड़ के रखा था उस दिन ऑफिस था, भैरव भी मतलब खुल गया था, भग गया था, तो जाके बच गई, और अब तो नहीं बचने वाली, क्योंकि भाई पकड़ के रखा। और जूली भाई देखो कैसे करंट में भाई मेरे हाथ के नस सुन कर देते हैं जोर लगा के, और ये रहे भैरव जी, ये इनको मिल जाता तो भाई इन्होंने तो कच्चा जमा जाना था उसको, और भाई दोनों बहुत गंदी तरह मार देते उसको, पकड़ लिया
जूली की तो पॉटी वगैरह सब आ गई बाहर भोंकते भोंकते। ऐसे हम जा रहे हैं दोबारा उसी रास्ते और डॉग वापस वही वाला आ रहा है जिसके ऊपर इन्होंने एग्रेशन करा, तो फिर रिएक्शन देख लेते हैं भाई। भाई अभी वो आगे है, करंट लोकेशन नहीं पता उसकी यहाँ पे, लेकिन पता चला भाई ये डॉग जा रहा है। भाई बांध लेना है हम सबको, तो बांध लेना दोनों को भाई, खोल देंगे नहीं हम, खोल देंगे तो भाई ज़्यादा गंदा काम करेगी जूली। भाई जूली ले जाकर ना सीधे, भाई जूली का यह नहीं है कि जाके जैसे डॉग ने आपस में गुर्राते कर रहे हैं, जूली वो करती नहीं है, डायरेक्ट सीन कर देगी। आगे लेके चलो घर, वो नहीं कर रहे रुको, तो पीछे से निकल जाती तू आगे करने। तो भाई मैं आ गया था घर पे और भाई मैंने ना एक चीज़ नोटिस करी भाई, जो लोग कहते हैं ना अमेरिकन बुली पिट बुली है बहुत फ्रेंडली ब्रीड होती है, तो भाई ऐसी गलती कभी मत करना कि ये फ्रेंडली होती है सोच के। भाई अगर आप इनको सोशलाइज नहीं कराओगे, एक्सरसाइज नहीं कराओगे, तो फिर ये आपके ऊपर भी अटैक कर सकते हैं। क्योंकि आज मैंने जूली के अंदर एक चीज़ देखा भाई, भैरों के साथ ये लगभग एक महीने से रह रही है, और आज जब भैरों ने स्ट्रीट डॉग के ऊपर भोंका तो इसे लगा वो मेरे ऊपर अटैक कर रहा है, और इसने भाई उसे पकड़ने की कोशिश की 2-3 बार ही। पहले वो क्लिप देखो आप, क्लिप देख ली होगी, ये रहा अपना भैरों, और अभी उसको दिखाता हूँ वो कहाँ पे है। ये देखो भाई, इसको मैं ऑफ लिस कर देता हूँ ना दिन में, इधर कहाँ पे घुस के बैठी है फूल के अंदर, एकदम नेचुरल एसी के अंदर बैठी है। चलो यहाँ पे बहुत ठंडी रह गई, जान तो मिट्टी में डाउस कर, चलो उस तरह भैरों के साथ उसका कोई पंगा नहीं है। लेकिन भाई मतलब एक बार सोचो यार, अगर ये जिसके साथ रह रही उसी को मार सकती है, तो भाई इसको सोशलाइज कराना बहुत जरूरी होता है इन ब्रीड्स को। गाइस मैं लेके आया था इनको इवनिंग वॉक पे, और दिखाता हूँ अभी जूली को, जूली को ना ये रही जूली अपनी। और मैंने क्या सोचा था भाई, ये ग्रिप वगैरह नहीं लगाती क्योंकि कपड़े वगैरह मैं कई बार ले गया टायर वगैरह, तो इसने नहीं लगाए। लेकिन एक दिन इसने पकड़ा हल्का सा, फिर 2-3 बार इसने कभी कभी मतलब हमेशा नहीं पकड़ना स्टार्ट करा, पकड़ ले कपड़े वगैरह मतलब मुँह में पकड़े, मतलब लगाने आती थी इसको, बट लगाने का इसका मन नहीं था इस टाइप से। और आज भाई इसने बहुत गंदी तरह मतलब ग्रिप लगाई, वो क्लिप देखो क्लिप, और वो जानते हो कैसे, बस इसको कहो चल बड़े चल चल बड़े चल, तब ये ग्रिप वगैरह लगाती है तुरंत, मतलब ऐसे आवाज़ निकालने पर भाई बहुत खतरा। और भाई नहर एकदम साफ़ हो गई भाई, क्लीन आज आए थे बंदे कुछ, और पूरी नहर साफ़ कर गया भाई। किसी दिन इन डॉग्स को इसी में नहला दूंगा मैं। तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे, मिलते हैं सीधा अगले ब्लॉग में। अगर छोटा ब्लॉग रहेगा तो डेली आएगा, नहीं तो भाई बड़े ब्लॉग में थोड़ा सा पंगा हो जाता है। तो चलो गाइस ब्लॉग पसंद है तो लाइक जरूर कर देना, मिलते हैं सीधा अगले ब्लॉग में।